उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ मंदिर हिंदुओं के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है, लेकिन जून 2013 में प्रकृति ने यहाँ कुछ ऐसा कहर मचाया। इतनी खतरनाक बाढ़ यहाँ आई कि हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगातार हो रही बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आई बाढ़ ने बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद, इसे चमत्कार कहें या कोइंसिडेंस, उस दिन केदारनाथ का मंदिर उस विनाशकारी बाढ़ से बच गया। लेकिन कैसे? सिर्फ एक पत्थर एक मंदिर को विनाशकारी बाढ़ से कैसे बचा सकता है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम इस मंदिर के निर्माण और रचना से जुड़ी अनोखी बातें जानेंगे। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसके बारे में कई अलग अलग दावे किए जाते हैं। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस मंदिर को बनाया किसने था। बल्कि इससे भी जरूरी सोचने वाली बात यह है कि मंदिर का निर्माण हुआ कैसे था। इस मंदिर के आसपास की भौगोलिक रचना पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि इस मंदिर के तीन तरफ से तीन विशालकाय पहाड़ मौजूद हैं। एक तरफ करीब 22,000 फुट केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फीट की कर्जकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड। साथ ही इससे निकलने वाली कई नदियाँ भी इस मंदिर के पास से ही गुजरती हैं। आज भी इस मंदिर तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में मौसम भी काफ़ी ख़राब होती है, कभी ज़्यादा बर्फ गिरती है तो कभी तेज़ बारिश। भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं यहाँ तो अक्सर होती रहती है। ऐसे में तो ऐसे सवाल मन में आना वाजिब है कि आज से 1200 साल पहले इतना सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। जून 2013 में यहाँ आई आपदा में केदारनाथ के आसपास बसे कई गांव अध्वस्त हो गए, हजारों लोगों की जानें चली गई, कई लोगों के घर पानी में बह गए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस मंदिर के एक पत्थर को भी बाढ़ नुकसान नहीं पहुंचा पाई। सोचिए, आज से 1200 साल पहले बना मंदिर इतनी भयानक आपदा से सही सलामत बच गया। ये आज की बात है, सैकड़ों साल पहले तो मौसम और भी खराब होती थी। वैज्ञानिकों के टीम ने इस मंदिर के पत्थरों पर रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि 14वीं सदी से 17वीं सदी तक ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। उसके बाद भी इस मंदिर ने कई खराब मौसम और प्राकृतिक आपदा झेली है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टेस्टिंग में ये मंदिर आज भी पूरी तरह से मजबूत है। इसके पीछे कई सारे वजह हैं और सबसे बड़ी वजह है इस मंदिर की रचना। जहां दुनिया के ज़्यादातर मंदिर पूरब या पश्चिम दिशा की ओर होते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है और इस मंदिर को बनाने वाले लोगों की इसी निर्णय ने इस मंदिर को बचा दिया। क्योंकि जून 2013 में आई उस भीषण बाढ़ में कुछ ऐसा हुआ, जब केदारनाथ में बादल फटी और बाढ़ आई और तबाही मचाना शुरू की, तभी अचानक एक पत्थर आया और मंदिर के पिछले हिस्से से थोड़ी दूरी पर रुक गया और मंदिर से टकराने वाले बाढ़ के पानी को रोककर उसकी दिशा मोड़ दी और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि इतना विशाल पत्थर, जो कि बहुत ही ऊंचे ढाल से ढलकर आ रही थी, वह अचानक मंदिर से थोड़ी दूरी पर रुकी कैसे, और इतनी तेज बहाव में वह दोबारा वहां से हिली भी नहीं। पत्थर मंदिर से लगभग 10-12 फीट की दूरी पर रुका हुआ है। इस मंदिर की मजबूती के पीछे एक बड़ा कारण है, इसके निर्माण में उपयोग किया गया पत्थर। कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं और से इस जगह पर लाए गए थे, क्योंकि इस मंदिर के आसपास के इलाके में ऐसे पत्थर है ही नहीं
ये पत्थर खास इसलिए है क्योंकि तापमान में होने वाले बदलाव का इन पर कोई असर नहीं होता। ये मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ से ढका हुआ था, तब भी यह पत्थर सुरक्षित थे। हिंदू संरचनाओं से जुड़ी पहेलियाँ ही ऐसी है कि इसको सुलझाने का प्रयास करने वाले आज के इंसानों का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। चाहे मौसम कैसा भी हो या चाहे सैकड़ों सालों तक मंदिर को बर्फ से ढका ही रहना पड़े, इस मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए। शायद मंदिर को बनाने वाले ने कुछ ऐसा ही प्लानिंग किया होगा और वो ऐसा करने में सफल भी रहे। आपको क्या लगता है, ये चमत्कार है या फिर कोइंसिडेंस? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।